नमस्कार, आप देख रहे हैं R9 टीवी। मैं हूं आपके साथ आशिमा त्यागी और इस वक्त की बड़ी खबर R9 टीवी पर सामने आ रही है। ट्रंप के सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बड़ा बयान। तो बता दें कि फ्रांस में चल रहे G7 समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात हुई, जिसके बाद ट्रंप के सामने का बड़ा बयान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया है और भारत पाक के मसले को द्विपक्षीय बताया। उन्होंने कहा है कि इसमें तीसरे देश की दखल मंजूर नहीं। तो ये बड़ी खबर सामने आ रही है भारत पाक के रिश्ते को लेकर। पीएम मोदी ने कहा है भारत और पाकिस्तान का जो मामला है वो द्विपक्षीय है और किसी देश को कष्ट नहीं देना चाहते हैं, तो हम मिलकर समस्या हल कर सकते हैं। भारत पाक को गरीबी से लड़ना है और उन्होंने भारत पाक के इस मसले को द्विपक्षीय बताया है। और कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस बयान का अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी समर्थन दिया है और उन्होंने कहा है कि दोनों देश आपस में मिलकर इस मसले को सुलझा ले। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा बयान फ्रांस में चल रहे जी समिट में दिया है। उन्होंने कहा है कि भारत पाक को गरीबी से लड़ना है, भारत ना दखल देता है और ना ही दखल का पक्षधर है। भारत और पाकिस्तान के सारे इश्यू बायलेटरल है और इसलिए हम दुनिया के किसी भी देश को इनके लिए कष्ट नहीं देते हैं और मुझे विश्वास है कि भारत और पाकिस्तान जो 1947 के पहले एक ही थे, हम मिलजुल करके हमारी समस्याओं पर चर्चा भी कर सकते हैं। तो ट्रंप ने कश्मीर मुद्दे पर मध्यस्थता की पेशकश ठुकराई थी और मेरी बात दोनों देशों के पीएम से बातचीत भी हुई है और अब दोनों देश आपस में मुद्दा सुलझा लेंगे। तो ट्रंप की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान का समर्थन करते हुए ये बात कही गई है। आपको बता दें कि पहले भी ट्रंप जो है इस पूरे मसले को लेकर दोनों देशों के बीच मध्यस्थता की कोशिश जो है वो करते रहे हैं, लेकिन इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो साफ किया है कि तीसरे देश की दखल हमें कतई मंजूर नहीं है, उसका समर्थन अब ट्रंप करते हुए भी नजर आए हैं। और जो दोनों देशों के यहाँ पर मुख्य थे उनकी तरफ से जिस तरह से बात की गई, जो जेस्टर यहाँ पर दिखाई दिया, उससे भी साफ यहाँ पर नजर आ रहा है कितना असर इस पाकिस्तान पर पड़ने वाला है। लेकिन एक बड़ा झटका एक बार फिर से पाक को। बाकी खबरों की जानकारी के लिए आप जुड़े रहिए R9 TV के साथ।